हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा यूपी टेट 2019 के लिए, ठीक है। तो मैथ पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात होती है कि मैथ का सिलेबस जान लिया जाए। यदि आपको सिलेबस पता है तो आधी चीज़ें आप खुद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैथ का सिलेबस जानने के लिए मैंने मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि पार्ट वन पार्ट टू में क्यों डिवाइड किया है। मैं आपको बता दूं कि पार्ट वन का जितना भी सिलेबस है, ये सारा सिलेबस पार्ट वन का मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पार्ट टू का जो सिलेबस है ये आपको पढ़ाएंगे डोडवाल सर। कौन पढ़ाएंगे? डोडवाल सर, ठीक है। अब सिलेबस के टॉपिक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। पहला टॉपिक है आपके संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटा गुणा तथा भाग, ठीक। दूसरा सिलेबस है आपका एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, ठीक। उसके बाद है भिन्नों का जोड़ घटा गुणा एवं भाग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है दशमलव जोड़ घटा गुणा एवं भाग। एक एक नियम, इंग्लिश में हम इसे यूनिटरी मेथड बोल देते हैं। दूसरा आपका प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपका आएगा धन, जिसमें हमें रुपए और पैसे के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मापन, समय, तोल, धारिता, लंबाई, ताप, ठीक। उसके बाद कैलेंडर पढ़ना है, उसके बाद आंकड़े पढ़ने हैं, रेलवे, बस, समय और सारणी के बारे में पढ़ना है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण के बारे में पढ़ना है। ये तो रही बात मेरी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। डोडवाल सर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ज्यामिति पढ़ाएंगे। ज्यामिति में जो टॉपिक है आपके वो है ज्यामिति या आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है। ज्यामिति के बारे में इतना पढ़ेंगे आप। परिमिति, परिमाप, परिमाप में आप पढ़ेंगे त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ठीक। उसके बाद आता आपका आयतन, आयतन में आप पढ़ेंगे धारिता, घन, घनाभ, ठीक। उसके बाद आता है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में आप पढ़ेंगे आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। ये तो रहा आपका सिलेबस। देखने में तो काफी कम लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद आपका पेडागोजी आता है, 25 से 26 क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्ट इस सिलेबस से, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो पेडागोजी से आते हैं आपके मैथ्स में, हर साल आते हैं ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 4 से 5, इनके लिए मैं तुम्हें 200 क्वेश्चन कराऊंगा विद प्रीवियस ईयर, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 4 से 5, ठीक। और ये जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं एंड में कराऊंगा, जब आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन रह जाएंगे, ठीक है। ये तो होगी हमारी सिलेबस की बात, चलो अब आगे चलते हैं। हमने बात करी थी सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस से आगे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संख्या पद्धति या प्रणाली। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम पढ़ क्या रहे हैं? मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। इस मैथ के दो तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता अंक, दूसरा होता आपका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजिट, ठीक है। दूसरा होता ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक। इन दोनों के बिना मैथ एग्जिट नहीं करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी।
डिजिट और अंक मैथ के दो तत्व होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं संख्या की। संख्या कैसे बनती है? दो या दो से अधिक अंकों की सहायता से संख्या बनती है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी संख्या की? दो या दो से अधिक अंकों की सहायता से संख्या बनती है। ठीक, जैसे 24, 630, 7650, ये सारी क्या हमारी संख्याएं हैं। दो या दो से अधिक अंकों की सहायता से मिलकर क्या बनती है? हमारी संख्याएं बनती हैं 24, 630, 7650। ये हमारी क्या है? सारी की सारी संख्याएं हैं। ठीक, प्रत्येक संख्या में प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका जातीय मान, ठीक, और एक होता है आपका स्थानीय मान। ठीक, अभी आप इतना समझिए कि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं, एक जातीय मान होता है, एक होता है स्थानीय मान। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। ठीक, सबसे पहले जो संख्या आती है आपकी, वो आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में हम बुक क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर, हम इन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, एक बार बताइए काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? जिनसे हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, गिनते हैं। कहां से गिनते हैं हम? जीरो से गिनते हैं? नहीं। दस से गिनते हैं? नहीं। कितने से गिनते हैं फिर? वन से स्टार्ट करते हैं ना गिनती, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को जो डिनोट करते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसके सेट की बात करूं तो इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ……, ये इसका सेट बनेगा, प्राकृतिक संख्या होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे चलें। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोल देते हैं इन्हें होल नंबर्स। अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, होल नंबर को हम W से ही डिनोट करते हैं। और अगर इसके सेट की बात करूं मैं, तो जीरो ऐड करना हमें किसे? प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ……, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसी में मुझे क्या ऐड करना है? जीरो और ऐड करना है, ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक, हमने बात करी थी पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है आपका? पूर्णांक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे कि ऑल
पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स, इंक्लूड विथ जीरो। ठीक, हिंदी में बता देता हूं, पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या है, निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये जो सेट बनता है हमारा, वो बनता है हमारा इंटीजर्स का। इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं। आ रही है बात समझ में? पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं, निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं जीरो सहित क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। कैसे बनेगा सेट? अगर मैं जीरो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो कौन कौन से नेचुरल नंबर बताए मैंने आपको? 1, 2, 3, 4 .. इनफाइनाइट तक। ठीक, अगर मैं निगेटिव नेचुरल नंबर की बात करूं तो कौन कौन से नेचुरल नंबर हो जाएंगे निगेटिव? यही नंबर हो जाएंगे -1, -2, -3 .. इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेट बन के आया मेरे पास, किसका सेट आया? पूर्णांक इंटीजर्स का। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, इसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है बताएगा कोई? नहीं पता? पता है रैशनल नंबर? हिंदी में बोलते हैं मैंने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताएगा कोई? पता है किसी को? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां q नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है और p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी किसकी? रैशनल नंबर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या होंगे? 3/5 -1/2 ये सारे क्या एग्जांपल है? रैशनल नंबर के एग्जांपल है। कैसे चेक कर लेते हैं? अगर मैं 3/5 की बात करूं, ये क्या लिखा हुआ है? p/q के रूप में लिखा हुआ है और q नॉट इज इक्वल टू क्या है? 0 है, क्योंकि q क्या है? 5 है। ठीक, और दोनों क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है? रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं माइनस के 1/2 की, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है और 2 जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक, और दोनों क्या है हमारे? इंटीजर है, इसलिए क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 रैशनल नंबर है या नहीं है कोई बताएगा? 2 रैशनल नंबर है? हाँ भाई, 2 रैशनल नंबर है? नहीं पता? देखो मैं बताता हूँ। अगर 2 के अपॉन में मैं 1 लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा? p/q के रूप में बन जाएगा ये। ठीक, p/q के रूप में बन गया और q नॉट इज इक्वल टू 0 है और दोनों क्या है हमारे? इंटीजर भी है, तो इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक, ये परिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? चलिए बताता हूं मैं आपको। अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। हाँ भाई, क्या होती है इरेशनल नंबर बताओ? नहीं बताओ? क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं, सीधी सी बात है यार, जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। इतना समझ के चलो, जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जो भी संख्या रूट में दिखाई दे जाए, रूट ऐसी संख्याओं का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब जैसे √3, √2, √3, √5, √7,
ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं, इनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, किसी भी इरेशनल नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो सारे के सारे नंबर जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और उनका रूट लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। इरेशनल के बारे में इतनी ही जानकारी रखनी है आपको, इससे ज्यादा जानकारी की रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, इसके बाद आता है आपका सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्हें इवन नंबर्स, ठीक। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इवन नंबर्स की, तो वे सारी संख्याएं, वे सारे नंबर जो दो से डिवाइड होते हैं इवन नंबर्स कराते हैं, सीधी सी बात है। वे सारी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं, इवन संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, and so on. ये सारी हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें ओड नंबर्स, क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भैया, मैंने बताया इवन नंबर्स वो होते हैं जो दो से डिवाइड होते हैं, तो ओड नंबर्स कौन से हो जाएंगे, वे सारी संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती, ठीक है, जो दो से डिवाइड नहीं होती वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ओड नंबर्स कहलाती हैं। एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 22, 23, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात और ध्यान रखना, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके सारे आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने, ठीक है, सारे नोट्स बनाने हैं अच्छे से। नोट्स बनाने के बाद आपको इसका बार बार रिवीजन करना है। हाँ, ये गारंटी मेरी है, पेपर में आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसी में से मिलेंगे और उसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। संख्याएं बदल सकती है, संख्याओं को मैं नहीं कह सकता, संख्याएं बदल सकती है, लेकिन टाइप वही होगा, क्वेश्चंस का मेथड वही होगा, मैनर वही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम बोल देते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। कौन से होते हैं भैया प्राइम नंबर्स, बताएंगे हमी सौरभ, क्या होती है प्राइम नंबर्स, पता है आपको, पता है नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। वे सभी संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कहां से शुरू होती हैं, ये दो से शुरू होती हैं, ठीक। दो के बाद तीन, इनके बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ नहीं होगा तो तीनों तीन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में बताया है कि वे सभी संख्या जो एक से या खुद से डिवाइड होती हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, इसलिए नौ नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, आपका 17 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट। ये होती है आपकी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स,
अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है कि सबसे छोटी क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भैया, दो, क्योंकि दो से स्टार्ट होती है ये, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कौन सी होती है भैया, जो संख्याएं तीन या तीन से अधिक फैक्टर रखती हैं, जो संख्याएं तीन या तीन से अधिक फैक्टर रखती हैं वो हमारी क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो तीन या तीन से अधिक फैक्टर रखती है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 8 की, 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कौन कौन से आएंगे, तो कोई एक, एक से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा और एट खुद से डिवाइड होगा, तो कितने फैक्टर आ गए इसके, एट। फैक्टर का मतलब होता है जिन जिन नंबरों से वो डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, एक दो तीन चार, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य है, ठीक। उसके बाद अगर मैं चार की बात करूं तो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, चार वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा और चार खुद से डिवाइड होगा, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, तीन। अगर मैं तीन की बात करूं, अगर मैं तीन की बात करूं, या तो तीन वन से डिवाइड होगा या खुद से तीन से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, इसके दो फैक्टर है, ठीक है, दो फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या, भाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन क्या बनती है कि वे सभी संख्याएं जो तीन या तीन से अधिक फैक्टर रखती हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी, यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आ सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सी है भैया, चार। आंसर क्या हो जाएगा इसका, चार। चार आपकी क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बचा आपका कोप्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, क्या बचा, कोप्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, कोप्राइम बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या होती है कोप्राइम नंबर्स, बताओ, पता है, नहीं पता, तो मैं बता देता हूं, वे सभी संख्याएं, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, या वे सभी संख्याएं या संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ क्या हो, वन हो, या कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन लिख लो पहले इसकी, वे सभी संख्याएं जिनके, जिनका एचसीएफ वन हो या
कॉमन फैक्टर वन, या तो वो वन से डिवाइड हो या उनका एचसीएफ क्या हो वन हो, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है, कोप्राइम संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूं 3 और 5, ये दोनों कोप्राइम संख्याएं हैं। कैसे देखो, तीन या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, वैसे ही 5 या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो एक यहां भी है और एक यहां भी है, इसीलिए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, एक। इससे ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए दोनों का पेयर जो है ये वो क्या है, से अविभाज्य संख्या है। अगर मैं 13 और 15 की बात करूं तो ये भी क्या है हमारी, से अविभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 17 और 8 की बात करूं तो ये भी से अविभाज्य संख्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया नंबर्स के बारे में कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। मेन टॉपिक पे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।